मेरे बाबू ने खाना खाया सही हो गया यस हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का सीन ये है कि आज है 29वां रोज़ा और ईद कल नहीं तो परसों तो लाजमी ईद है ही है। अब ईद के दो मेन काम ये हैं कि पहला तो होता है ड्रेस तो चलो फाइनल हो गया, वो स्टिच भी हो रहा है। दूसरा ये कि आपके बाल और आपकी बियर्ड वगैरह ठीक करवानी होती है। तो सीन अब हमने जाना है कटिंग शेटिंग करवाने और बियर्ड सेट करवाने। बड़ा टाइम लग जाना है इधर। मैं ये सारी यहां पे करके जाएंगे यार। सारी यहां पे हमारी पक्की बात है। ये समोसे खाऊंगा साथ ही बर्थडे है। लेना 1 2 3 3 आप ठीक है। नगेट्स लाऊंगा साथ बट कर बट समोसे वाला है। थोड़ी कढ़ाई नहीं समोसे वाला। वो तो ये खाऊंगा हैवी से करके। तो हवा जब सारी मेरी तरफ हो गई। डन हो गया। हाथ लाओ। क्लिंजिंग वगैरह करवा मतलब स्क्रब वगैरह जो होता है ना एक बार वो भी तैयार हो रही होगी वो भी स्क्रब स्क्रूब लगवा रही होगी। अब हमने ना बालों पे पॉलिश करवानी ताकि बाल सिल्की रहे और स्मूथ रहे। सारी नील के ना हमने बहुत फिरना है तो बालों का सिल्की और स्मूथ होना बहुत जरूरी है। तेरी गर्दन चिट्टी हो गई है नीचे से दूधिया निकला है तू। नेचुरल ब्यूटी नहीं है ये आर्टिफिशियल वक्ती तौर की ब्यूटी है बस। पैसा लगाया पैसा। ईद करीब करीब है और सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ हैं। कोई कटिंग करवा रहा है, कोई खत सही करवा रहा है, कोई स्किन पॉलिश करवा रहा है। सब लोग प्यारे होने की नाकाम तरीन कोशिश में मसरूफ है मेरे समेत। पॉलिश को 15 मिनट हो गए लगे हुए तो अपना बाल धोने लगे हैं क्योंकि ज़्यादा देर लगने की तो इससे बालों को नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो अभी ओके हो गया बॉस। थैंक यू सो मच। मेरी कटिंग शटिंग तो हो गई है। हेयर स्प्रे भी हो गया है, हेयर पॉलिश भी हो गया है। मैं तो चिकना बन गया। देखो हर तरह कटिंग शटिंग हमने कर ली है।
करवा भी ली है। तो अब हम अफतारी का टाइम हो गया है, हम लोड जो फ्राइज पे आ गए हैं, इधर हमने अफतारी कर ली। ये वाहिद बंदा मुझे मिला है जो कि अफतारी के टाइम शवारमा खा रहा है। सारी टाइम आज हमें शवारमा ही खा रहे हैं। मैंने इसे कहा है कि नगेट्स खाते हैं साथ, यार नगेट्स भी खा लेंगे, रोटी से भी खा लेंगे, लेकिन मैंने शवारमा खा, शवारमा भी रहेंगे, शवारमा बाद में खा लेंगे, लेकिन भाई साहब को शवारमा ही खाना। नहीं पहले मैंने शवारमा खाना। गुड, I'm, my day is going well. आप इधर ही होते, लोड ऑफ फ्राइज के होते? हम ऑनर ऑफ द बर्गर ब्रोस, द वन एंड ओनली लॉर्ड ऑफ द फ्राइज। मेरे बाबू ने खाना खाया, वन एंड ओनली लॉर्ड ऑफ फ्राइज, मेरे बाबू ने खाना खाया। सही हो गया यार, अफतारी में भी कुछ चीज़ रखो ना इधर, अफतारी के लिए समोसे, नगेट्स, रोल्स। ये कहाँ से चुना था, मेरे बाबू ने थाना था। ये बस फनी स्टाइल है आप लोगों के लिए, इंजॉय करने के लिए, सबके लिए जो है ना स्टेटस स्टाइल है ये। ठीक हो, आप लोग सेल्फी लें और स्टेटस लगाएं सुकून से, हमारी भी पब्लिसिटी और आपको भी इंजॉय हो साथ में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अफतारी के लिए मैं फिर कुछ दे रहा हूं, आप अफतारी का बैठे ना, बिस्मिल्लाह, खुली अफतारी, अम्मा के गरम गरम पकौड़े, अम्मा के बेटे का हाथ का प्यारा सा शरबत, और किधर है दही भले, इस तरफ आए, वेलकम, ओह माय गॉड, वेलकम वेलकम। आज हमें लोड ऑफ फ्राइज वालों की तरफ से फ्री अफतारी का मौका मिला। क्या क्या है, दही भल्ले, सारा सेटअप चल रहा है। यार आपका गेटअप आप पे सूट कर रहा है। थैंक यू, मैं जॉनी सिंस का भाई हूँ, टॉनी सिंस। टॉनी सिंस, व्हाट्स अप माय फ्रेंड्स, इट्स माय नेम लिटिल किंग, आई एम रियल फ्रॉम बर्गर ब्रोस, द वन एंड ओनली। मेरे बाबू ने खाना खाया 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 आप बैठे ना, आ जा यार बैठे बैठे। अब तारीख की यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, सारी प्लेट्स को फिल कर रहे हैं, सबको मिलेगा दो दो हज़ार, सब मिलेगा लिटिल खान। काम इधर बैठे हैं, मैं बुला आज बुला, कभी आपने सोचा अफतारी का मौका मिलेगा? हाँ भाई लेवल का, ये बिग फैन, ये वाले भाई बिग फैन, दोनों ने कहा कि आप हमारे साथ बैठ के आज इफ्तारी करें। तो ये देखिए ये प्लेट्स वगैरह फिल कर रहे हैं सारे। बाकी बातों की बातें, आज ब्लॉगर होने के ना पैसे दाऊंगा, आज पहली बार ब्लॉगर होने पे इज्जत मिली है, उन्होंने हमें स्पेशल यहाँ पे बुलाया कि आप हमारे साथ इफ्तारी करें। आज बॉस आप ही आओ ना, अफतारी के टाइम पे ऐसे बंदों का नाम नहीं लेना। टाइम रह गया, दो से तीन मिनट रह गए, इधर शरबत वो भर रहे हैं सारे ग्लासों में, इधर सारी प्लेट्स रेडी हैं, तो अभी जैसे टाइम होता तो फिर हम अफतारी करते हैं। कटिंग शटिंग करवा ली है, खाद छत भी करवा ली है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी भी हो गई है। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।